अच्छा ऐसा है, जब कोई फिल्म आती है, क्योंकि अब तो कटरीना आपकी लाइफ में है, देखिए मुस्कुराहट देखिए लोग, जोक थोड़ना है यार, सच में सच में है। तो आप डिस्कस करते हैं कोई फिल्म के बारे में, और आपने ये बताया कि इसमें वो वाला गाना है जो मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, तू जो है तो फिर और क्या चाहिए। नहीं, वो तो जब गाना आया उसके बाद गाना शुरू किया मैंने उसके लिए। अच्छा। बट नहीं, हम डिस्कशंस काफी होती है जब कुछ नई स्क्रिप्ट हो या कुछ किसी फिल्म के बारे में मैं सोच रहा हूँ या वो सोच रही है, तो हम दोनों साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। कई बार जैसे उन्हें बड़ा शौक है कि अगर मैं किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें मैं गाने शूट कर रहा हूँ, सो देन शी इज लाइक आई वॉन्ट टू सी द रिहर्सल, क्योंकि वो डांस में शी इज सो गुड दैट कि फिर बाद में जब मैं रिहर्सल वीडियो दिखाता हूँ मैं बहुत डरता हूँ कि यार, क्योंकि उसमें से 36,000 मिस्टेक निकाल देती हूँ, ये हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, ये लाइन ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। ठीक है ठीक है ठीक है, पर ऐसी वाली डिस्कशंस बहुत होती हैं, बिकॉज आई मीन शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी इज रियली रियली लाइक यू नो मेड अ स्पेस फॉर हरसेल्फ विद हर ओन हार्ड वर्क व्हिच इज ग्रेट। सो या काफी डिस्कशंस होती हैं। अच्छा, एक एक ना बहुत ही एकदम जनरल पब्लिक वाला सवाल, बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, फिर उतार चढ़ाव और सिचुएशन, आपने लव मैरिज की, अब कैसी सिचुएशन चल रही है, मतलब आप क्या बोलोगे कि अरेंज मैरिज इज द बेस्ट या लव मैरिज इज द बेस्ट? प्यार होना चाहिए मैरिज कैसी भी हो, अरेंज हो चाहे लव हो, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए कंपैशन होना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, हमारी साथ में एक मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ना उसे पूरी तरह इस तरफ आना है ना मुझे पूरी तरह उस तरफ जाना है। सो दैट अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो फिर इट डजंट मैटर अरेंज है लव है, खुशी देनी चाहिए टू द फैमिली एंड टू देम फर्स्ट। तो अगर वो खुशी है, वो प्यार है, तो फिर मैरिज किसी तरह हो। तो अभी अभी कैसे होता है, आप तो एकदम पराठे वराठे एकदम घी भी डाल के पसंद करते होंगे, वो तो केवल स्मेल करके ही हमारी शादी, पराठे बीच का रास्ता क्या निकला, पराठे वेज पैनकेक हुई है हमारी शादी तो है तो वैसे सेम ही पैनकेक पराठे सब सेम ही है, बट हाँ सुशी शी लव्स पैनकेक्स, आई लव पराठा, तो वो उसमें नहीं आती, इतने पराठा फैट हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं नहीं, वो भी खाती है पराठे, हां हां शी लव्स मॉम का, मॉम के हाथ के पराठे।